श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमन ग्रंथ ये भूमि बंध ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला हरि राम यही हरि धाम। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा को
कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लोहरी का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीता चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, 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 चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, गोविंद चले आओ।
परिचय है। आज आप लोग कथा सुन के चले जाएंगे तो मुझे लगा कि आज मैं अपना परिचय आपको भी दे दूं और भगवान को भी परिचय करा दूं, भगवान को भी परिचय दे दूं अपना। जब भगवान जी मेरे से पूछेंगे कि तुम कौन हो तो मैं क्या परिचय दूंगा, जब भगवान आपसे पूछेंगे कि आप कौन है तो आप क्या कहेंगे। मैं क्या परिचय दूंगा, मेरा आधार कार्ड मैंने खुद तैयार किया। भगवान पूछेंगे तुम कौन हो तो मैं बताऊंगा, अपराधी हूं। मैं कौन हूं? अपराधी हूं। कौन सा अपराधी हूं मैं? मैं इतना बड़ा अपराधी हूं कि हे प्रभु, कई बार मैंने आपको भुला करके संसार में मन लगाया है, यही मेरा अपराध है। अपराधी हूँ, खल कामी हूँ। अपराधी हूँ, खल कामी हूँ। कपटी हूँ मैं, अज्ञानी हूँ। कपटी हूँ मैं, अज्ञानी हूँ। ये विशेषताएं मुझ में है। जब भगवान पूछेंगे कौन हो तुम, हे नाथ, ये लाइनें ये दास अनिरुद्ध ने लिख के रख ली। मैंने ये लाइनें अपने आखिरी समय के लिए रखी हैं लिख कर, क्योंकि आखिरी टाइम बोल पाए ना बोल पाए, कह पाए ना कह पाए, और परिचय तो देना ही पड़ता है। आप कौन है? अपराधी हूँ, खल कामी हूँ। Honey,
लगा दो पा, मेरी नैया लगा दो पा, हरि आ जाओ एक बार, मेरी नैया लगा दो पा, हरि आ जाओ एक बार। तुमसे बिछुड़े दिन बीत गए, तुमसे बिछुड़े दिन बीत गए, मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए, मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए, मेरी विनती सुनो एक बार, मेरी विनती सुनो एक बार, हरे आ जाओ एक बार। भगवान जब गोपियों को छोड़कर गए, दो दिन का कहकर भगवान जब जाने लगे, गोपियां रथ के नीचे आकर के लौटने लगी, हे श्याम सुंदर यदि आप हमारे आप हमें छोड़कर जा रहे हैं तो आप इस रथ को हमारे ऊपर से लेकर जाओ, क्योंकि हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। हे श्याम सुंदर, हे मुरलीधर, जाना ही है तो जाओ, पर हमें जीवित किसके लिए छोड़कर जा रहे हो, आपके बिना हमारा कौन है गोविंद, जाना है तो जाओ, हमारे प्राणों को भी लेते जाओ, तुम्हारे बिना इन प्राणों का हम क्या करेंगे श्याम सुंदर। गोपियों का ये भाव, भगवान रथ से उतर आए, श्री राधा रानी के कंधे पर हाथ रखकर श्याम सुंदर ने, श्री राधा रानी की आंखों में आंखें डालकर श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी से कहा, हे राधे, क्या तुम प्राणों को त्यागना चाहती हो, क्या तुम मेरे बिना जीना नहीं चाहती हो। श्री राधा रानी ने कहा, हे श्याम सुंदर, हम तो क्या आपके बिना वृंदावन का पक्षी भी जीना नहीं चाहता, हम तो क्या जिन गायों को आप चराते हैं वो गाय भी आपके बिना जीना नहीं चाहती। हे श्याम सुंदर, आपके बिना जीकर कोई क्या करेगा, जा रहे हो तो हमारे प्राणों को भी लेते जाओ ना, इन प्राणों का अब हम क्या करेंगे। श्याम सुंदर ने कहा, राधा, मैं कह रहा हूं मैं आऊंगा, बस दो दिन की बात, दो दिन मैं जाकर के मथुरा जो काम है पूरा करके मैं आ जाऊंगा वापस, तुम क्या दो दिन मुझे जाने की आज्ञा नहीं दोगी। जब श्याम सुंदर ने ये धैर्य बंधाया कि मैं दो दिन में आ जाऊंगा, तो श्री राधा रानी ने सारी सखियों से कहा, अच्छा ठीक है सखियों, कन्हैया का रास्ता छोड़ दो। सखियों ने कहा, ये कन्हैया कह रहा है दो दिन बाद आऊंगा, ये आएगा नहीं। राधा रानी ने कहा, कोई बात नहीं, ये नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, तो क्या आप जी लोगी इनके बिना, नहीं मैं इनके बिना कहां जी पाऊंगी, तो फिर आप जाने की आज्ञा क्यों दे रही हो। श्री राधा रानी ने कहा, यदि मेरे कृष्ण को मेरे बिना अच्छा लगता है, यदि मेरे श्याम सुंदर को मेरे बिना खुशी मिलती है, तो मैं उनको अपने साथ जबरदस्ती रखकर उनकी खुशी में बाधा क्यों बनूं, मैं किसी की प्रसन्नता में बाधा क्यों बनूं, इसलिए इन्हें जाने दो।
श्याम सुंदर दो दिन का कह करके चले गए। मथुरा में जाकर कंस को मारा, पढ़ने उज्जैन गए, पढ़कर आए, महीनों हो गए, वर्षों बीत गए, दो दिन का कहा था और वर्षों बीत गए, आए ही नहीं। और राधा रानी और गोपियों का क्या हाल है? गोपियां कृष्ण के इंतजार में जीवित हैं, रो रही हैं, तड़प रही हैं मछली की तरह। जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, ऐसे कृष्ण के बिना गोपियां तड़पती हैं। गोपियां श्याम सुंदर से कुछ चाहती थोड़ी हैं, वो तो केवल उनका साथ चाहती हैं, साथ। जब गोपियों का प्रेम बढ़ा और प्रेम का संदेशा जब श्याम सुंदर तक पहुंचा, भगवान को लगा कि अब गोपियां बहुत ज्यादा तड़प रही हैं, अब प्राण निकल सकते हैं। तब भगवान ने गोपियों के प्राणों की रक्षा के लिए, जैसे डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा मिल जाए, प्यास से तड़पते हुए व्यक्ति को एक बूंद जल मिल जाए, उसी तरह भगवान को लगा कि तड़पती हुई गोपियों को थोड़ा तो सहारा दूं। तब भगवान ने उद्धव जी से कहा, भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, जाओ वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। जानते हैं गोपियां क्या कहती है? प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। गोपियां प्रेम को ही सार मानती हैं। अच्छा, प्रेम क्या है मेरी माँ? यदि गोपियां चाहती तो कृष्ण को रोक लेती, हमें छोड़कर ना जाओ, और चले गए थे तो वृंदावन से मथुरा चली जाती वापस लेने के लिए। ना तो गोपियां वृंदावन से मथुरा कितने दूर है, अब आप देख लो, 10-12 किलोमीटर है। पैदल जाएगा आदमी तो 2 घंटे लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। गोपियां चाहती तो श्याम सुंदर से मिलने जा सकती थी,
उठा कर ले आती हैं, पकड़ कर ले आती हैं, प्रेम करती हैं आपसे हम, हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? ना तो गोपियां मथुरा गईं, ना तो गोपियां भगवान को पकड़ कर लाईं, और ना तो जा रहे थे तो रोकने की ज्यादा जिद की। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रेम जहां होगा ना, वहां मेरे मन का हो, आप जैसे आप पति पत्नी हैं, पति चाहता है कि तुम मेरे हिसाब से चलो, पति चाहता है कि पत्नी से तुम मेरे हिसाब से चलो, और एक पत्नी है जो कहती है ठीक है, जैसे आप चलाएंगे हम वैसे चलेंगे, हमारा अपना कोई हिसाब किताब नहीं है, हम तो आपकी हैं तो आपके हिसाब से चलेंगे। अब ये बताओ, पति कह रहा है तुम मेरे हिसाब से चलो, और पत्नी कह रही है ठीक है जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपकी खुशी। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में प्रेमी कौन है, इन दोनों में प्रेमी कौन है? पति और पत्नी में पति कह रहा है तुम हमारे हिसाब से चलो, पत्नी बोली ठीक है आपकी खुशी हमारी खुशी। इन दोनों में यदि आप ये देखना चाहें गौर से कि प्रेम किसके पास है, तो आप क्या कहेंगे, पति या पत्नी? आप पति पत्नी, ये दो पति पत्नी, पति पत्नी हैं, इनमें से ज्यादा प्रेम किसके पास है, पति के पास या पत्नी के पास? जोर से, पति, जोर से, पति के पास ज्यादा प्रेम है, जोर से। चलो छोड़ो, एक पत्नी है जो अपने पति से कहती है तुम हमारे हिसाब से चलो, पति बोला ठीक है तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है। अब बताओ यहां कौन प्रेमी है, यहां कौन प्रेमी है? जोर से, ऐसे नहीं, आप ऐसे बताओ इन दोनों में प्रेम किसके पास है, जो ये कह रहा है कि तुम हमारे हिसाब से चलो, क्या ये प्रेमी है, या फिर वो प्रेमी है जो ये कह रहा है कि ठीक है आपकी खुशी हमारी खुशी, तुम हमारे हिसाब से चलो और आपकी खुशी हमारी खुशी, इन दोनों में प्रेम किसके पास है? अब ये निर्णय आपको करना। मैया उत्तर दो, दोनों में? ये तो खिचड़ी हो गई, खिचड़ी बनाने का नहीं बोला था, अलग अलग दाल चावल बनाने का बोला था। आप लोगों को ना कुछ पता ही नहीं है, आप लोगों को तो ये भी नहीं पता कि प्रेम क्या है, बस भेड़ चाल चल रही है, सब ऐसी करते थे हम भी ऐसी करेंगे। बताओ प्रेम क्या है? तुम हमारे हिसाब से चलो, ये प्रेम है? जोर से, ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। ये क्या है? आप हमारे हिसाब से चलो, ये तो हमारा स्वार्थ हुआ कि हम आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और आपकी खुशी ही हमारी खुशी है, बच्चे की खुशी ही माँ बाप की खुशी होती है, ये प्रेम है। प्रेमी जो होगा वो अपनी जिद नहीं चलाएगा। यदि पत्नी अपनी जिद चला रही है या पति अपनी जिद चला रहा है तो ये प्रेमी नहीं है, ये स्वार्थी है, चाहे वो पत्नी हो या पति हो। और जो आपकी खुशी में अपने आप को मिला दे, चलो हमारी कोई इच्छा नहीं, आपकी इच्छा, ये प्रेम है। प्रेम जहां होगा ना वहां डिमांड नहीं होगी, सिंपल भाषा है। फिर समझो, मैं प्रेम को आज परिभाषित कर रहा हूं, ये प्रेम की परिभाषाएं हैं आपके लिए। आप कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाना, प्रेम की परिभाषा धरती की कोई भी यूनिवर्सिटी में मिल जाए तो मुझे बताना, प्रेम की परिभाषा नहीं है कहीं भी, केवल अध्यात्म में प्रेम की परिभाषा है।
और वो प्रेम की परिभाषा ये है, आज सातवें दिन हम आपको बता रहे हैं। छह दिन तक पहले हम आपको इस परिभाषा का अधिकारी बनाते हैं और सातवें दिन फिर आप पर लुटाते हैं अपनी परिभाषा। अब ये बताओ कि जहां डिमांड है, स्वार्थ है, हमें कुछ चाहिए आपसे, वो तो स्वार्थ है ना। और प्रेम तो जो है ना वो चाह नहीं रखता। और आज जो भी समाज में प्रेम देखा जा रहा है उसमें कोई ना कोई स्वार्थ है, इसलिए वो प्रेम है ही नहीं। लोग क्या कहते हैं, हमारा दिल तोड़ दिया, हमने प्रेम किया, विश्वास किया, सामने वाले ने तोड़ दिया। सामने वाले ने आपसे प्रेम किया ही नहीं था, उसने तो आपको यूज किया था केवल, और आप उसकी उस चतुराई को समझ ना पाए और आपको लगा कि वो हमसे प्रेम करता था और बाद में तोड़ दिया दिल। ना, प्रेम की परिभाषा जरा प्रेमियों से पूछो तो सही, भाई साहब प्रेम कहते किसे हैं? करते हो ना प्रेम, तो बताओ क्या है प्रेम? जिसे आप लोग प्रेम कह रहे हैं वो स्वार्थ है। जहां डिमांड है वो क्या है? जोर से। प्रेम कैसा होता है? निष्काम। प्रेम कैसा होता है? निष्काम। प्रेम ये नहीं देखता कि मेरी खुशी क्या है, प्रेम ये देखता है कि आपकी खुशी क्या है। जहां अपने आप को मिटा दिया जाए वो प्रेम है। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है तब मैं नाए, और प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाए। प्रेम में दो लोग नहीं आते ना, पति और पत्नी यदि दो हैं तो वो प्रेम नहीं है। दो कहां है? इसलिए तो बोला जाता है अर्धांगनी। अर्धांगनी का मतलब क्या हुआ? जोर से, आधा। तो जब आधी आप हो और आधा आपका पति है तो तुम दो कहां हुए? एक ना हुए? और आप कितने हो? दो हैं। आप दो हैं मतलब आप स्वार्थ के रिश्ते में, प्रेम के रिश्ते में नहीं है। यदि आप पति पत्नी दो हैं तो आप स्वार्थ के रिश्ते में हैं, आप प्रेम के रिश्ते में नहीं है। क्योंकि हमारे यहां अर्धांगनी होती है, अर्ध नारेश्वर भगवान शिव होते हैं। स्त्री भी अर्धांगनी और शिव जी भी अर्ध नारेश्वर है, पुरुष भी अर्ध नारेश्वर है, मतलब 50-50 है साहब, तब जाके 100 हुआ। पति पत्नी में लड़ाइयां क्यों होती हैं? क्योंकि ये दो, लड़ाई होने के लिए दो होने चाहिए और आप दो हैं, इसलिए आज कल लड़ाइयां होती हैं क्योंकि दो हैं। यदि ये दोनों एक होते तो लड़ाई एक से कैसे होती? जो मैं हूं वही मेरी पत्नी, और जो मेरी पत्नी है वही मैं हूं, ये प्रेम है। आप लोग ना शादी विवाह करते तो हैं लेकिन उन रिश्तों के अर्थ को नहीं जानते, उस चीज को नहीं जानते जिसको जानना आवश्यक है। बस आप आज तो 99% विवाह शादियां केवल भोग विलास के लिए हो रही हैं। आजकल शादी का उद्देश्य ही क्या है? भोग विलास। और क्या उद्देश्य रहा? कोई 1% उद्देश्य बचा है जहां विवाह का अर्थ, गृहस्थी का अर्थ अच्छी संतान की प्राप्ति हो, जहां भक्त या भगवान की चाह से विवाह किया जाए, या भगवत प्राप्ति। हमारी पत्नी और हमारा पति कौन है? भगवान के भजन में सहयोगी है। मेरी पत्नी मेरे भक्ति में सहयोगी है। कैसे? चलो बताओ, आपका विवाह हो गया? चश्मे वाले भैया, आपकी पत्नी
आपकी सहयोगी किस तरह से, सिद्ध करके बताओ, आपकी पत्नी आपकी किस तरह से सहयोगी है आपके भजन में, जैसे ये सवाल पूछ लेना बहुत लोगों से, किसी को उत्तर नहीं पता, बस शादी, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी वाइफ है, वाइफ हर से मारती रहती है, ये मेरा हस्बैंड है, बैंड बजाता रहता है, ये तुम्हारी परिभाषा है। अब अर्धनारेश्वर और अर्धांगनी रही भी कहां, अब तो हस्बैंड बचा, वाइफ आ गई, अब तो आप लोगों ने परिभाषाएं ही बदल दी, अब कहां रही वो अर्धांगनी जो आधी होती थी, कहां गए वो अर्धनारेश्वर जो आधे होते थे, अब तो पूरे पूरे हैं साहब, हम तुमसे कम थोड़ी हैं, हम तुम्हारे बाप का खाते हैं क्या, ऐसा पत्नी बोल देती है, ऐसा बोल देता है बोलने वाला, हमारे बाप ने दिया इतना सारा दहेज, अब वो अर्धनारेश्वर और अर्धांगनी वाला जमाना गया, आप तरक्की बहुत कर गए, चलो बताओ आपकी पत्नी किस तरह से आपकी सहयोगी है, भगवान के भजन में आपकी पत्नी का क्या सहयोग है, बोलो आपने, चलो छोड़ो ये सब भैया, आप बताओ आपने विवाह किया, उत्तर दो, क्यों किया विवाह, आपने विवाह क्यों किया, उत्तर दीजिए, नहीं पता, सब करते हम भी कर लिए, सब लाइन में खड़े थे हम भी खड़े हो गए, हमें भी दुल्हन चाहिए, मैया आपने विवाह किया क्यों किया, आपने विवाह किया क्यों किया, क्या उद्देश्य था विवाह का, हमारी सब सहेलियों ने किया तो हमने भी कर लिया, बस भैया बचाएंगे, आपने विवाह क्यों किया, क्या उद्देश्य था भाई, बिना उद्देश्य के आदमी थोड़ी कुछ करता है, आप यहां से दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली जाने का कोई कारण होगा, क्यों जा रहे हैं, पूछा जाएगा भाई क्यों जा रहे हैं, क्यों जी पूछा जाएगा, जब आप दिल्ली, आप वृंदावन आए तो लोगों ने पूछा होगा वृंदावन जा रहे क्यों जा रहे हैं, आपने बताया होगा दर्शन करने जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, तो उद्देश्य है ना, दिल्ली जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं, काम है, बंबई जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं, काम है, तो बताओ शादी क्यों किया, क्यों किया, क्या काम था, उत्तर दो, शादी क्यों किया आप लोगों ने, भैया ये आप बताओ, आपका विवाह हुआ है, बताओ फिर विवाह क्यों किया आपने, क्या उद्देश्य विवाह का, परिवार चलाना, नहीं करते तो परिवार नहीं चलता, अरे नहीं करते तो फिर वो किसी और के संकर ही लेती, कुंवारी थोड़ी बाटी रहती आपके लिए, कहीं तो होती, क्यों किया विवाह आप लोगों ने, ये भैया बताएंगे सफेद कुर्ते वाले, क्यों किया आपने विवाह, नहीं महाराज हमने नहीं किया, किया तो है अब डर लग रहा है, क्यों कर लिया आप बताओ, क्यों किया आपने विवाह, चलो देखो आप लोग विवाह करके बूढ़े हो गए लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने विवाह क्यों किया, दांत भी गिर गए कुछ लोगों के, बाल भी पक गए कुछ लोगों के, लेकिन ये नहीं पता कि विवाह किया क्यों, बस कर लिया, भेड़ चाल चल रहे थे सब लोग, हम भी चल पड़े, पता नहीं है बस कर लिया, आज हम बताएंगे, बताओ किस किस को जानना है विवाह क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, आपने विवाह क्यों किया, पीछे वाले भैया क्यों किया, बच्चे पैदा करने के लिए, हाँ बच्चे तो सुअर भी पैदा कर लेते हैं एक बार में 12 तुमसे ज्यादा, बच्चे पैदा करने के लिए शादी की, तो सुअर तो शादी भी नहीं करता, तो तुमसे ज्यादा थोक में,
उद्देश्य सही नहीं है, इसलिए आज की गृहस्थी अच्छी कहां चल रही है लोगों की, ठीक कहां चल रहा सब कुछ, क्योंकि उद्देश्य सही नहीं है, मंजिल का पता ही नहीं है। ट्रेन में बैठी तो है पर उतरना कहां है ये नहीं पता, कहां जाना है ये नहीं पता। एक आदमी स्टेशन गया, टिकट वाले से बोला भाई साहब टिकट देना, तो टिकट वाले ने बोला कहां की दूं, बोले कहीं की भी दे दो। अरे भाई ये तो बता जाना कहां है, जब तक आपको ये आप निश्चित नहीं करेंगे कहां जाना है तब तक टिकट कहां की लोगे, देने वाला देगा कहां की। जब तक आपको लक्ष्य की ही लक्ष्य का ही ज्ञान नहीं है, लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं है, भाई साहब ये बंद है क्या, ओ छोरा, लक्ष्य का ज्ञान नहीं है तो फिर बताओ कहां पहुंचेंगे आप। हाँ तो आज किस किस को बता दूं विवाह क्यों किया, सबको सुनो, हम विवाह क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी पत्नी भगवत प्राप्ति में हमारी सबसे बड़ी सहयोगी है। हमारी पत्नी और हमारा पति ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ा सहयोगी है और पत्नी सहयोगी है, पति सहयोगी। अब बताओ कैसे, आओ मैं सिद्ध करके बताता हूं। संत महात्माओं को छोड़ दो, अर्थात इनकी थोड़ी देर के लिए हम केवल गृहस्थों की बातें करें, संत तो अपने आप में पूज्य और श्रेष्ठ हैं ही। अब आप देखो जब आपकी शादी नहीं होती तो आपका मन भटकता है, स्त्रियों का भी पुरुषों का भी, अन्य पुरुषों का मन बहुत सारी स्त्रियों में जाता है, स्त्रियों का मन बहुत सारे पुरुषों में जाता है, इसलिए विधान बनाया कि बहुत सारी जगह मन जाता है उससे अच्छा है एक जगह मन जाए, इसलिए एक स्त्री और एक पुरुष की व्यवस्था कर दी गई। तो आपका जो 17 जगह मन भटकता था वो 17 जगह से हटके एक में जाकर केंद्रित हुआ, बोलो हाँ। तो मतलब आपके मन को भटकाव से बचाने के लिए, आपके मन को भटकने से बचाने के लिए आपकी पत्नी और आपका पति सहयोगी हुआ या नहीं, बोलो हाँ। तो पहला योगदान पत्नी का है कि वो हमारे चंचल मन को कंट्रोल करने में सहयोगी है, हाँ या ना, मैं डीपली समझा रहा हूं आपको, इतनी गहराई में आपकी बुद्धि आज तक गई ना होगी, आज समझ लो। हमारी पत्नी क्या करती है, हमारे मन को अनेक जगह से भटकने से रोक कर वो एक जगह मन को केंद्रित कर लेती है कि अब तुम सबको ना देखो सिर्फ हमें देखो, तुम सबका स्पर्श ना करो केवल हमारा स्पर्श करो। तो ये पत्नी है जो आपके चंचल मन को केंद्रित कर लेती है। फिर क्या हुआ, यज्ञ, आप कोई यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में जब तक आपका विवाह नहीं होता तब तक आपको यज्ञ करने की अनुमति नहीं होती, बोलो हाँ। भगवान राम को भी जब यज्ञ करना पड़ा और माता सीता उस समय वनवास थी तो सोने की सीता बनानी पड़ी, वरना राम जी को भी यज्ञ करने की आज्ञा नहीं थी। तो हमारे यहां जो यज्ञ का विधान है, यज्ञ की जो पूर्ति होती है, यज्ञ में जो पूर्णाहुति होती है, उस पूर्णाहुति में पत्नी का साथ में होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पत्नी के बिना यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हो सकती। तो आपकी पत्नी आपके यज्ञ में, आपके पूजा में, भगवत प्राप्ति में सहयोगी हुई या नहीं, यदि आपका विवाह नहीं हुआ या फिर आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, ऐसी स्थिति में कुछ अनुष्ठान है जिनकी अनुमति आपको नहीं होती, इसलिए पत्नी आपकी सहयोगी है ईश्वर की प्राप्ति में। अच्छा, स्त्री सहयोगी और भी है, आप अपनी स्त्री के द्वारा अपने घर में एक भक्त को जन्म दे सकते हैं, आप अपनी स्त्री के द्वारा आप अपने घर में राम और कृष्ण और बुद्ध को भी जन्म दे सकते हैं,
भगवान या भक्त दोनों को जन्म देने के लिए स्त्री का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्त्री के द्वारा ना तो घर में भगवान पैदा हो सकते और ना तो भक्त पैदा हो सकता। हो सकता है तो बता। दशरथ जी और कौशल्या जी के द्वारा, राम आए कि नहीं, देवकी और वसुदेव के द्वारा भगवान कृष्ण आए कि नहीं, उत्तानपाद और सुनीति के द्वारा ध्रुव आए कि नहीं, हिरण्यकश्यपु और उनकी मां प्रहलाद जी की मां के द्वारा प्रहलाद जी आए कि नहीं, अर्थात कयाधु और हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद आए कि नहीं। तो कयाधु के बिना प्रहलाद नहीं हो सकते, है ना मेरी मां। कैकेयी के बिना भरत नहीं हो सकते, इसलिए सुमित्रा के बिना लक्ष्मण नहीं हो सकते। इसलिए स्त्रियों का होना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि ये आपको, अच्छा बेटा पैदा कर लेना बड़ी बात नहीं है, आप करो, आप कर भी रहे हैं, लेकिन कैसे बेटे चाहिए, जैसे चाहिए क्या वैसे हैं? जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गबाबे नूर। आप मां हो, आप मां हो पर रावण की मां हो, तो ऐसी मां बनके भी क्या पा लिया। अरे मां बनी थी तो लक्ष्मण की मां बनती या राम की मां बनती, राम या लक्ष्मण जैसे भक्तों की मां बनती। मां भी बनो तो श्रेष्ठ पुत्र की मां बनो। इसलिए विवाह किया जाता है कि हमारे घर में भगवान का अवतार होगा। अभी कल की भगवान आएंगे कलयुग के अंत में, वो भी किसी मां और पिता के द्वारा आएंगे। होंगे तो प्रगट ही, पर निमित्त तो मां बाप बनेंगे कि नहीं। दूध तो कोई मां ही पिलाएगी, यशोदा ने दूध पिलाया कि नहीं, फिर तो वो दूध तो तुम्हारा ही पिएंगे ना भगवान। इसलिए स्त्री और पुरुष का विवाह क्यों होता है, अर्थात गृहस्थी में क्यों जरूरी है आना, आपने विवाह क्यों किया, ईश्वर की प्राप्ति में विवाह भी सहयोगी है, इसलिए विवाह किया जाता है। लेकिन आज का उद्देश्य विवाह का केवल विषयों का सेवन रह गया है, इसलिए आजकल के लड़के लड़कियां शादी करते हैं सीधा हनीमून मनाने के लिए लंदन पेरिस चले जाते हैं, क्योंकि उद्देश्य विवाह का अब यही है। आपका उद्देश्य विवाह का ये था ही नहीं कि आपके घर भक्त या भगवान का जन्म हो या आपकी ईश्वर की प्राप्ति में सहयोगी बने, जब आपका उद्देश्य ही ये नहीं था इसलिए ये होता नहीं है। जब आप भोगी विलासी हो तो आपकी औलाद भी वैसे ही होगी। इसलिए पहले के उद्देश्य अलग था, आज के विचारधारा अलग हो गई। पहले प्रेम का अर्थ कुछ और था, आज प्रेम का अर्थ कुछ और लोग कर रहे हैं। प्रेम आज स्कूल में कॉलेज में लड़का लड़कियां प्रेम करते हैं। अब बताओ जो स्कूली प्रेम है आज का, वो प्रेम है क्या? प्रेम की परिभाषा उनके प्रेम में लागू हो रही है? बिल्कुल नहीं। आजकल स्कूल कॉलेज में जो प्यार हो रहा है लड़का लड़कियों का, फेसबुक वाला, व्हाट्सएप वाला, आई लव यू टू, आई लव यू, ये सब प्यार नहीं है। ये क्या है, क्या है? ये केवल हवस है। क्या है ये? सिर्फ हवस। आज लड़की और लड़के अपने शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और उस पूर्ति में उन्हें लगता है कि कोई हमें कुछ कहे ना, इसलिए वो अपने पाप को छिपाने के लिए प्रेम नाम का पर्दा डाल देते हैं कि प्रेम के पर्दे से हमारा पाप छिप जाए। आज कोई लड़का लड़की प्यार थोड़ी करते हैं, प्यार का मतलब वो है ही नहीं जो आप समझ रहे हैं। अब इनसे पूछो कि प्रेम की परिभाषा क्या है तो ये बता ना पाएंगे, और कर रहे हैं प्यार। गोल गोल रोटी बनाती नहीं आती लड़की को, और प्यार बहुत बढ़िया करती है। हाँ, अभी रोटी बनानी नहीं आई,
अभी लड़का अपने मोबाइल का रिचार्ज कराना नहीं जानता, अर्थात 300 रुपए 500 रुपए कमाना नहीं जानता। बाप से लेकर के रिचार्ज कराता है मोबाइल का, 2-5 पैसे भी कमाना नहीं जानता, पर प्यार करना बहुत बढ़िया जानता है। ये प्यार है आजकल, प्यार नहीं है साहब, बर्बादी है चरित्र की। आजकल तो प्यार के नाम पर शोषण हो रहा है, हाँ या ना? स्कूल कॉलेज पढ़ने गए बच्चे अपना शोषण करा लेते हैं, लड़कियां करा लेती हैं शोषण, लड़के करा लेते हैं। आपके पास डिग्री तो है पर आपके पास चरित्र नहीं है। आपका मतलब है उन लोगों की हम बात कर रहे हैं जो कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ लड़के कुछ लड़की ऐसे होते, उनकी हम बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब बुरे नहीं हो सकते ना। पर जो है कि आज आपके पास डिग्री तो है पर आपका चरित्र आपके पास नहीं है। अब बताओ सबसे बड़ी डिग्री थी क्या? कागज की डिग्री बड़ी है या आपका कैरेक्टर आपका चरित्र बड़ा है? फिर तो आजकल के बच्चे कुछ बच्चे पढ़ने लिखने के नाम पर चरित्र बिगाड़ रहे हैं कि नहीं, और ये कह रहे हैं हम पढ़े लिखे। पढ़ा लिखा ऐसा नहीं होता साहब, पढ़ा लिखा तो रावण था, रावण बहुत पढ़ा लिखा था लेकिन दूसरों की स्त्रियों को उठाता रहता था, और राम जी रावण से तो कम ही पढ़े थे, राम जी रावण से कम ही पढ़े थे लेकिन राम जी चरित्रवान थे। इसलिए आज तक राम के चरित्र की पूजा होती है, राम चरित्र मानस, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। तो राम जी का क्या पूजा जाता है? जोर से चरित्र। और अभी दशहरा आ रहा है, राम की पूजा होगी और रावण घर घर जलाया जाता है। विद्वान की पूजा नहीं है साहब, आप विद्वान हैं लेकिन चरित्रहीन है, तो आपकी डिग्रियों का क्या करेंगे बताओ? रावण था तो विद्वान, लेकिन कोई मां आज तक ये नहीं कहती कि मेरा बेटा रावण जैसा बने ना, राम जैसा बने। पढ़ने लिखने से रावण भी पढ़ा लिखा था पर आपके पास आपका चरित्र नहीं है, आपके पास आपके संस्कार नहीं है, तो डिग्रियों का क्या करोगे? आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बहुत डिग्रियां हैं पर अपनी बूढ़ी मां को भी देखने नहीं आते, बूढ़े बाप को भी देखने नहीं आते, क्या करें? डिग्रियां हैं, पैसा बहुत कमा रहे हैं पर समय नहीं है। इसलिए प्रेम के नाम पर अपना शोषण ना कराइए, अपनी बेटियों से कहो कि ज्यादा पढ़ाई में मन लगाओ, ज्यादा ध्यान पढ़ाई में मन लगाओ, कोई प्यार व्यार के चक्कर में ना उलझो वरना आपका चरित्र बिगड़ जाएगा। आजकल लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है, प्यार कर लेती हैं और बाद में लड़की, एक लड़की ने प्यार कर लिया, कहा कि अब तुम हमसे शादी करो, उसने कहा क्यों जी हम शादी करने के लिए थोड़ी प्यार किए थे, लड़की ने कहा नहीं शोषण तो तुमने किया हमारे शरीर का तो विवाह भी तुम करोगे, तो लड़के ने जब मना किया तो लड़की बोली फिर मैं दबाव बनाया लड़की ने, तो लड़के ने उसके 35 टुकड़े कर दिए। ये घटना आप सबको पता है, एक लड़की एक आदमी से एक लड़के से प्यार करती है, वो लड़का उसका शोषण कर लेता है, तो लड़की बोलती है अब हमसे विवाह करो, और जब विवाह करने का वो मना कर, वो दबाव बनाती है लड़की कि भाई शोषण तुमने किया, तुमने वचन दिया था कि विवाह करूंगा, अब तुम बीच में ठुकरा रहे हो, दबाव बनाया तो लड़के ने उसके टुकड़े टुकड़े किए। तो आजकल ये प्यार, ये है प्यार 35 टुकड़ों वाला। इसलिए ये कोई प्यार नहीं था मेरी बहनों, जो तुम्हें कहता है ना कोई लड़का कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, वो तुमसे प्यार क्यों करेगा? तुम्हारे शरीर से प्यार है, वो तो शरीर की हवस पूरी कर लेगा, भूख मिटा लेगा, तुम्हें जैसे च्युइंगम को चबाते हैं ना और चबा के थूक दिया जाता है, आखिरी में च्युइंगम का सारा रस निकाल के क्या करते हैं आप लोग? थूक देते हैं।
उसी तरह आपको चुंगम की तरह समाज चबाता है, लोग चबाते हैं और आपको थूक देते हैं, और आपको क्या लगता है वो प्यार करता? कोई प्यार व्यार नहीं करता। इसलिए संसार के किसी भी झूठे प्यार में मत उलझिएगा। प्यार कौन करता है आपसे? आपकी माँ आपसे प्यार करती है, आपका पिता आपसे प्यार करता है। आप अपने माँ बाप के प्यार को पहचान ना पाए और किसी रास्ते चलते व्यक्ति के प्यार में आप उलझ करके और सब बिगाड़ लेते हैं, ये कौन सा प्यार है? जिस माँ ने आपका मलमूत्र धोया है, हाँ या ना, आपकी मालिश की है, आपको उस माँ से प्यार नहीं हुआ? एक राह चलती लड़की से प्यार हो गया? प्यार का मतलब ये तो नहीं है साहब। और आपके हिसाब से ये है क्या? बताओ बताओ, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? माँ बाप करते हैं या कोई राह चलती लड़का या लड़की करती है? जोर से, स्कूल कॉलेज में लड़का लड़की ज्यादा प्यार करते हैं कि माँ बाप ज्यादा प्यार करते हैं? अब ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये कहते हैं हम बड़े हो गए हैं, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो फिर अपने से पढ़ भी लेते, अपने से फीस भी भर लेते, अपने से अपने कपड़े भी खरीद लेते। तब तो तुम्हारी माँ तुम्हारा मलमूत्र धोती थी, तुम्हारी ड्रेस साफ करती थी, तुम्हारी फीस भरती, तुम्हारा बाप की चप्पल घिस गई तुम्हारी फीस भरते भरते। और अब तुम कह रहे हो हम सेल्फ डिपेंड हो गए, बड़े हो गए, अब हमें माँ बाप की जरूरत नहीं है। साहब, कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है ना, उस मालिक की चौकीदारी करता है, उस मालिक के साथ वफादार होता है वो कुत्ता। लेकिन आज की कुछ औलाद ऐसी है कि माँ बाप ने सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, बाद में वही बच्चे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो साहब, हाँ या ना? कुत्ता भी अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, एक रोटी खिलाता है मालिक तो पूरी रात पूंछ हिला के उस घर की रक्षा करता है, चौकीदारी करता है। और तुम अपने माँ बाप का इतना कुछ पा करके, माँ बाप से इतना कुछ ले करके, और आप क्या कह रहे हो कि हमें किसी माँ बाप की जरूरत ही नहीं, जो मन में आया वो कर लेते हो, तो सही है? सही तो आपका प्यार सही है कि गलत है? जो लड़का लड़कियों से आप लोग करते हैं वो वाला प्यार सही है कि गलत है? जोर से, आजकल के लड़का लड़की करती हैं, इसलिए ये फिजूल के प्यार से बचाओ। ये प्यार नहीं है, शोषण है, धंधा है। इसलिए आप अपनी बेटी का समय से विवाह करो, अपने बेटे का समय से विवाह करो। पहले के माँ बाप समय से विवाह करते थे अपने बच्चों का, और आप लोग आजकल विवाह ही नहीं करते। माँ बाप की भी गलती है, जब माँ बाप समय से विवाह नहीं करेंगे तो छोरी लेके भाग ही जाएगी, किसी को छोरा लेके भाग ही जाएगा, समय से की नहीं आपने, गलती आपकी भी है। हर चीज का एक समय होता है, समय पर बारिश होती है, समय पर सर्दी होती है, समय पर गर्मी होती है ना। मई जून में दिसंबर वाली सर्दी नहीं हो सकती, जनवरी वाली सर्दी नहीं हो सकती, हो सकती है? नहीं हो सकती, कितना भी कोशिश कर ले कोई, पर दिसंबर की सर्दी, जनवरी की सर्दी जून में हो जाए, संभव है? भाई समय से सब चीजें होंगी ना, सर्दियों में सर्दी, गर्मियों में गर्मी, बारिश में, उसी तरह समय से विवाह हो, समय से बच्चे हो, समय से मन गृहस्थी में लगे और समय से मन गृहस्थी से हट जाए। केवल गृहस्थी में मन लगाना नहीं होता, लगा के हटाना भी होता है, चक्रव्यूह में जाना नहीं होता, जाके वापस आना भी होता है। नहीं आओगे तो अभिमन्यु की तरह मारे जाओगे। जैसे गए थे गृहस्थी में वैसे वापस आओ, मन सबसे हटाना भी होता है, लेकिन आप एक जानते हैं चक्रव्यूह में जाना,
आना तो सीखे ही नहीं, इसलिए मारे जाते हो अभिमन्यु की तरह। वापिस भी तो आओ, अर्थात जैसे आराम से गए थे गृहस्थी में, वैसे गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी करो, मन को सबसे हटाओ और अब मन भगवान के चरणों में लगाओ, जिम्मेदारियां पूरी करते हुए, कर्म करते हुए ये आना है वापिस। माँ बाप का एक लड़का मेरे पास आया, महाराज जी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा मुझे क्यों समझा रहा भाई? बोले महाराज जी मैं इससे विवाह करूंगा। हमने कहा कर ले, हमें क्यों बता रहा है? बोले महाराज जी इससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे भाई तो कर, हमें क्यों कह रहा है? महाराज जी हमसे विवाह करना चाहते पर हमारी माँ थोड़ा करने नहीं दे रही है। हमारी माँ कह रही है तुम इससे विवाह करोगे तो ठीक नहीं होगा। अब बताओ महाराज जी क्या करें? हमने कहा जब माँ मना कर रही है तो मत कर भाई, माँ की बात मान। तेरी माँ तेरे बारे में बुरा थोड़ी सोचेगी, तेरी दुश्मन थोड़ी है। नहीं महाराज जी मुझे तो इससे प्यार हो गया है, मैं इसी से करूंगा विवाह। फिर मैंने कहा तेरी माँ का क्या होगा? बोले मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा। मैं अपने माँ बाप को छोड़ सकता हूँ पर इस लड़की को नहीं छोड़ सकता। अब बताओ ये लड़का कह रहा है मैं इसको नहीं छोड़ सकता, माँ बाप को छोड़ सकता हूँ, अब बताओ ये प्यार है या क्या है? आप लोग बताओ, एक्सप्लेन करो भाई साहब, हम तो क्या कहें अब आपसे। मैं ये बताओ ये प्यार है? ये प्यार नहीं है, ये उसकी गोरी चमड़ी पे लट्टू हो चुका है। मन लगा गधी से तो परी किस काम की, वही वाली बात है। ये चमड़ी का जादू है, ये किसका जादू है? चमड़ी का, हाँ या ना? इसलिए समझाओ अपने बच्चों को कि बेटा ये चमड़ी के चक्कर में ना पड़ो, ये चमड़ी की भूख आज तक किसी की नहीं मिटी, इसलिए चमड़ी की भूख ना मिटाओ, अपने मन को उस चमड़ी से हटाकर उस परमात्मा में लगाओ जिसने आपको ये चमड़ी दी है ना। उस लड़के से हमने कहा कि तेरी माँ तैयार नहीं तो क्या करेगा? बोले मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की से कहा देख रही है बहन, जो अपने माँ बाप का ना हो सका वो तेरा क्या होगा, इसके चक्कर में ना पड़े। दो कौड़ी का लड़का है, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है वो कल तेरे से अच्छी कोई मिल जाएगी तुझे छोड़ देगा। इन लोगों का क्या भरोसा, जो अपने माँ बाप के सगे ना हो सके वो किसके होंगे। इसलिए शादी करना बुरा नहीं है, करो वहां करो। अरे समाज में रहने के लिए सम्मान भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए। जब आप किसी लड़की लड़के के संग भाग जाती हो, शादी कर लेते हो तो समाज में आपकी इज्जत नहीं रह जाती। अरे ये तो ऐसे ही, क्यों जी? लड़की तो शेरनी है ना, एक अकेली लड़की को लेके 100-200 बाराती आते हैं, इतना बड़ा रुतबा होता है लड़की का। एक लड़की को लेने कितने लोग आते हैं? 100-200 के बीच में वो अकेली चलती है तो लड़की का रुतबा बड़ा होता है। जब मंडप के नीचे बैठती है, विदाई होती है सुव्यवस्थित, तो वो शेरनी की तरह सिर उठाकर चलती है। और तुम यदि किसी को भाग जाओगी लेकर तो चोरों की तरह भागना पड़ेगा, तो कहां तुम शेर से चोर हो गए, चोरों की तरह रह के क्या सुख पाओगी? कहां तक भागोगी और कब तक भागोगी, किस किस से भागोगी? चलो इंसानों से भाग भी लो, पिता और मां से भाग भी लो, तो भगवान से भागकर कहां जाओगी? भगवान तो पूछेगा क्यों ये प्यार था? तेरी मां तेरे लिए रोती रही, तेरा बाप तेरे लिए सिसकता रहा और तुझे अपने माँ बाप के आंसू नजर ना आए। जब बेटियां भागती हैं ना तो माँ बाप रोते हैं, जिस गली से गुजरते हैं तुम्हारे माँ बाप लोग ताने मारते हैं, इसकी बेटी भाग गई, इसकी बेटी ने ऐसा कर लिया। क्या गुनाह किया था आपके माँ बाप ने? आपके किए का दंड माँ बाप को भोगना पड़ता है या नहीं, बोलो हाँ या ना? इसलिए कोई भी ऐसा काम मत करो कि आपके माँ बाप को सिर झुकाकर रहना पड़े। ऐसा कर जाओ कि सिर उठाकर गर्व से कह सके आपके माँ बाप ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है।
एक दिन माँ बाप के लिए रोना पड़ेगा ना, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। बंधाने को आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को, सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। जब तक माँ बाप है ना तब तक बहुत सुख है, माँ बाप नहीं है ना, माँ बाप है, माँ है तो सिर पर हाथ रखती है, आशीर्वाद देती है। माँ के मरने के बाद, पिता के मर जाने के बाद तो केवल फोटो रह जाएगी, केवल रोना रह जाएगा। जरा विचार करो कि जब माँ नहीं होगी, जब आप कोई उलझ जाते हैं जीवन में कभी, तो आपकी माँ आपको समझाती है कि सिर पर हाथ घुमाती है कि नहीं? मर जाएगी तो फिर कोई धीरज बंधाने वाला नहीं होगा। सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को, सिर पे न हाथ होगा धीरज बंधाने, उस दिन सुहाएंगे ना सुख संसार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। Thank you.
जैसे माझी माझ धार में आते हैं ना तो आपके लिए माँ जागी रहती है। अभी तक नहीं आया बेटा, अभी तक नहीं आई बेटी, आप जरा लेट होएं तो माँ जागती है। और जब माँ नहीं होगी तब आप कितने भी बजे आओ, कोई आपको जागता हुआ नहीं मिलेगा घर में, सब पांव पसारे सोते मिलेंगे। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में। आते होंगे दिन दो ही चार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। बाकी होगी जन्मदातार की, जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की, जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। बच्चे को जरा सी सर्दी जुखाम होती है ना, माँ रोती है। बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा स्कूल माँ चाहती है, अपने गहने जेवर बेच कर भी बच्चा को पढ़ाना चाहती है माँ। ओवर टाइम काम करके बाप अपनी बेटी और अपने बेटों को पढ़ाना लिखाना चाहता है बाप। रिक्शा चलाने वाला बाप भी अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ाना लिखाना चाहता है, परंतु वही बच्चे जब पढ़ लिख जाते हैं ना तो माँ बाप से क्या कहते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अब तो साहब जो करना था उन्होंने कर दिया, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी बहुत तरीके से निभाई है, अब जिम्मेदारी निभाने की बारी आपकी है। क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद केवल माँ बाप की यादें रह जाती हैं। किस्मत वाले हैं वो जिनकी माँ है, जिनका पिता है, जैसा भी है, जैसी भी है माँ, आप कुछ ना कहो, बस सेवा करो। माँ बाप के चरणों में अपना सिर काट कर कोई रख दे तो भी माँ बाप का ऋण कभी ना चुका पाएगा। और अभी तो माँ बाप हैं, बाद में तो केवल यादें रह जाएंगी। याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की, जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की, जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। भूल नहीं पाएगा तू, भूल नहीं पाएगा।
की अपने मूर्ति निहारे, माता पिता की अपने मूर्ति निहारे। माँ क्या होती है जरा सुनिएगा, माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। पैसा कमा लो तो पैसे से शायद सब कुछ आप खरीद लो, पर मां और बाप को नहीं खरीद सकते। मां तो फ्री की होती है, भगवान की कृपा से मिलती है, पैसों में नहीं मिलती ना, मिलती तो सब खरीद लेते। इसलिए पत्नी पसंद से मिलती है, आपको जो पसंद आएगी आपके माँ बाप उसी से शादी विवाह करा देंगे। पत्नी पसंद की होती है, पर माँ बाप पसंद के नहीं होते। होते माँ बाप के लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये माँ बाप अच्छे नहीं है तो ये वाले ना। पत्नी पसंद की होती है, पर माँ बाप तो भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। पत्नी पसंद से मिल जाती है और माँ बाप, माँ बाप कृपा से मिलते हैं। कल मेरे पास एक माँ आई, उन्होंने कहा महाराज जी हमारा बेटा सेवा नहीं करता, उसने घर से निकाल रखा है। किसके लिए? बोले बेटा तो अच्छा है पर पत्नी करने नहीं देती कुछ सेवा, पत्नी का जोर चलता है, जो कहती है वो उसका हमारा बेटा करता। अर्थात पत्नी के लिए अपनी माँ का त्याग कर देना समझदारी तो नहीं है। पत्नी और माँ दोनों को संभालना एक पुरुष की जिम्मेदारी है। इसलिए माँ जरा समझिएगा क्या है। माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको निहार। माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। योगी तू तो पीले इनके, योगी तू तो पीले इनके। बेटा संत भी हो जाए ना तो वो अपनी माँ का ऋणी रहता है। जब आदमी संन्यास लेता है ना तो बाप के ऋण से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन माँ के ऋण से संन्यास लेने के बाद भी मुक्त नहीं होता। इसलिए सन्यासी को अपनी मां के साथ रहने का अधिकार है। तुम सन्यासी हो गए हो, जमाने के लिए संत हो गए हो, तो जहां तुम हो वहां अपनी मां को रखकर उनकी सेवा करना।
तुम सबको छोड़ दो लेकिन अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते। सन्यासी को भी अपनी माँ की सेवा करने का अधिकार बताया है। यहां तक कि आद्य शंकराचार्य जी जब उन्होंने सन्यास लिया तो उनकी माँ ने रोका, बेटा सन्यास मत लो। बाद में जिद की और बताया तो माँ ने कहा ठीक है ले लो। एक मगर ने पांव पकड़ लिया आद्य शंकराचार्य जी का नहाते समय, तो माँ ने कहा बेटा क्या हुआ? बोले माँ मुझे मगर ने पकड़ लिया, वो तभी छोड़ेगा जब तू मुझे सन्यास की आज्ञा देगी। तब माने का जा तुझे मैं देती हूं आज्ञा, पर ये कम से कम जीता रह बेटा। वापस आए, मां रोने लगी, बेटा तू सन्यासी हो जाएगा फिर तू कभी नहीं मिलेगा मुझे। ना मां मैं कभी क्यों नहीं मिलूंगा, जब तुझे आवश्यकता लगे तो अपने बेटे शंकर को पुकारना, तेरा शंकर तेरे सामने खड़ा नजर आएगा। और आद्य शंकराचार्य जी, आद्य शंकराचार्य जी जो साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं, ऐसे शंकराचार्य जी भी जब माँ ने जब जब पुकारा तो सारी दुनिया में कहीं भी थे पर आकर के अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करते थे। आद्य शंकराचार्य जी, तुम संत हो गए तो हो जाओ पर माँ माँ के ऋण से ना मुक्त हो पाओगे। माँ की चरणों की वंदना तो भगवान रोज करते हैं, और आजकल कुछ बच्चे अपनी ऐसी माओं को घर से निकाल देते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर कहता हूं माँ के ऋण से तो सन्यासी मुक्त ना हो पाया तो तुम गृहस्थी क्या मुक्त हो पाओगे। हाँ इसलिए माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दुबारा। योगी तू तो पी ले इनके, योगी तू तो पी ले इनके चरणों को पखार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार। इसलिए प्रेम करना है ना अपनी मां से कीजिए। और गृहस्थी को चाहिए, मर्द जितने पुरुष सुन रहे हैं वो लोग ध्यान देंगे, पुरुष का कर्तव्य केवल पत्नी की बात सुनना ही नहीं है, पत्नी भी आपकी जिम्मेदारी है तो आपकी माँ भी आपकी ही जिम्मेदारी है। ये नहीं कि पत्नी के कहने पर तुमने माँ को घर से निकाल दिया, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता। और किसी भी स्त्री को, आप जितनी मेरी माँ और बहन बेटियां सुन रही हैं, आप अपने पति को कभी ऐसे ना कहो कि तुम अपनी माँ को घर से निकाल दो। यदि आपने ऐसा कहा तो करोड़ों जन्मों के लिए तुम्हें नर्क में जगह नहीं मिलेगी, अर्थात नरक से भी बदतर कोई पाप का जो दंड है वो तुम्हें मिलेगा। मतलब आप किसी बेटे को उसकी मां से दूर कर रही हो, आपकी आपके बेटे से आपको कोई दूर कर दे तो आप कितना दुखी होती हैं। उसी तरह तो कुछ स्त्रियां जब अपने पति को अपने वश में करके अपनी सास से दूर कर देती हैं तो वो भी तो पाप की भागीदार है। आप तो पाप की भागीदार हो। अरे जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा वो पापी है ना, तो आप अपने पति को पापी बना रही हो अपने माँ बाप की सेवा से वंचित करके। इसलिए यदि तुम्हारा पति तुम्हारी सास की सेवा ना करे तो आप खुद कहो, अपने पति को समझाओ कि तुम्हारी माँ भगवान है, अपनी माँ की सेवा करो क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है, तब जाकर तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा करेगा। क्योंकि जो बोएंगे ना वही काटेंगे। अपने पति को कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि अपनी माँ को छोड़ दो, या तो हमें रखो या अपनी माँ को रखो। कुछ स्त्रियां ऐसी शर्त पति से रख देती हैं। गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी कितनी माएं हैं जिनके बहू ने शर्त रख दी, या तो अपनी माँ को रख लो या हमें। तो कुछ पुरुष तो होते ही स्त्री लंपट है, वो अपनी लुगाई कैसे छोड़ेंगे। तो पत्नी से कहा हम तुम्हारी चरण धो के पिएंगे, मां को निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं।
तो पत्नी के चरण धो धो के पी रहे हैं बेचारे, क्योंकि योनि लंपट है ना, इन्हें योनि लंपट बोला जाता है। जो अपनी पत्नी के लिए अपनी मां को त्याग दे उसे क्या कहेंगे आप? इसलिए पुरुष का धर्म है मां की सेवा भी करना और पत्नी का सम्मान भी करना। इसलिए मां और पत्नी दोनों का बैलेंस बनाते हुए पुरुष को गृहस्थी चलानी चाहिए, एक तरफा नहीं। मां के कहने से पत्नी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग कई बार मां अपने बच्चे को भड़का के पत्नी से दूर करा देती है, ऐसी भी समाज में स्त्रियां हैं। मतलब गलती एक तरफ से नहीं होती, लेकिन यदि स्त्री मां ऐसा करती है कि अपने बेटे से अपनी बहू को अलग करा दे तो वो भी पाप की भागीदार बनेगी। इसलिए पुरुष को चाहिए कि तुम अपनी मां और अपनी पत्नी दोनों को, किसी को नहीं छोड़ना, जिम्मेदारी दोनों की है तो दोनों की पूरी करो। हाँ या ना? तुम दो भाई हो तो देखो कि तुम्हारी मां छोटे भाई या बड़े भाई के घर ठीक है, अच्छी है, तो कुछ दिन वो रखे, कुछ दिन आप रखो, आप आते जाते रहो, मां से मिलते जुलते रहो, छोड़ मत दो अपनी मां को, बस ये निवेदन है। भगवान की याद में गोपियां जब रोई तो भगवान ने उद्धव जी से कहा, कहा घन श्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना, विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर वाह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। भगवान को क्या चाहिए? जोर से, भगवान आपसे क्या चाहते हैं? प्रेम। क्या चाहते हैं? और आप लोग क्या करते हैं भगवान की? पूजा। अच्छा, पूजा और प्रेम ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है? जोर से, पूजा अलग हो है और प्रेम अलग है। भगवान को क्या चाहिए, प्यार, प्रेम या पूजा? जोर से, क्या चाहिए भगवान को? प्रेम चाहिए। और आप क्या करते हैं भगवान की? पूजा। पूजा नहीं, प्रेम। प्रेम के द्वारा, प्रेम के साथ की गई पूजा तो स्वीकार है। यदि प्रेम है तो आपके छिलके भी स्वीकार है, प्रेम है तो झूठे बेर भी स्वीकार है, और प्रेम नहीं है तो 56 भोग दुर्योधन के कहां स्वीकार किए भगवान ने? दुर्योधन की पूजा भगवान ने स्वीकार की क्या? उत्तर दो जोर से। जिस पूजा में प्रेम नहीं होगा वो पूजा स्वीकार नहीं होगी। इसलिए पूजा बाद में करना, पहले प्रेम तो कर लो मेरी मां। भगवान को क्या चाहिए? कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ,
पपीहा कह रहा पी कहां ये भी तो बतला। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। भगवान का संदेशा लेकर जब उद्धव जी वृंदावन गए तो मानो वृंदावन के वृक्ष उद्धव जी को बुला रहे हैं और कहे यहां आओ और जरा हमें जरा बताओ कि यहां हमारे श्याम सुंदर आए क्या तुम्हारे संग। गोविंद के लिए ये वृंदावन की लता पता भी मुरझाई सी लग रही है, कुम्हलाई सी लग रही है। हे गोविंद, कृष्ण के वियोग में अब तो वृंदावन से आवाज उठ रही है। वृंदावन में गोपियां कह रही हैं, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत ना करियो कोय। हम ब्रज की भोली। उद्धव जी आए और गोपियों को ज्ञान देने लगे। अरे गोपियों, ज्ञान के बल से ईश्वर को जानो, तुम क्या उनकी यादों में रोती रहती हो। तब गोपियों ने कहा उद्धव, हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, किसी और से मिलने के बहाने आ जा, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। वो आता होगा। एक सखी बोली, अब मैं मर जाऊंगी, अब गोविंद के बिना जी ना पाएंगी। ना ना, वो आता होगा। क्यों? क्योंकि मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। क्यों? तुमने कब बुलाया? हाँ हाँ सखी, आशा रख पगली आएंगे हरी आएंगे प्रभु आएंगे हरी आएंगे आशा रख पगली आएंगे हरी आएंगे हरी आएंगे
रख जय हो, आशा रख जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। जय हो, पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे, निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे, आशा रख जय हो, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। कई बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे, करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि होके रुलाने लगे, पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। कहती हैं श्याम सुंदर, हमें छोड़कर चले गए हो, क्या नहीं आओगे दर्शन देने के लिए? हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने, हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बात है, एक मैं जानू या वो जाने, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, प्यार झूठा सही को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने
बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर आ। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। मेरे श्याम लौट के आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी
वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा काम, रोम रोम मैं रम रहा ये मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं वो प्रेम दीवाना। उद्धव जी गोपियों के पास आए, ज्ञान लेकर आए, पर गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव जी का ज्ञान टिका नहीं। यशोदा माँ के पास गए, बड़ा ज्ञान दिया, पर माँ के प्रेम के आगे श्री उद्धव जी का ज्ञान न टिका। प्रेम सर्व सबसे श्रेष्ठ है ना भक्तों। गोपियां प्रेम की पुजारिन है, गोपियां भगवान से केवल प्रेम करती हैं। और इतना प्रेम गोपियां क्यों करती हैं? ताकि हमें वो मैसेज दे सकें कि प्रेम ऐसे किया जाता है, करके बताया, नहीं तो कैसे पता लगता कि प्रेम होता क्या है? फिर तो हम विषय वासना को ही प्रेम मानते रहते। लेकिन गोपियों ने प्रेम करके बताया कि भगवान के लिए इस तरह रोने का नाम प्रेम है, भगवान की यादों में खोए रहने का नाम प्रेम है। इसलिए इस तरह से भगवान से प्रेम करना सीखिए, भरत जी की तरह। वृंदावन में भगवान गोपियों को, ब्रज रज में उद्धव जी लौट कर गए, भगवान ने हृदय में ब्रज मंडल का दर्शन कराया। उद्धव जी को जो अभिमान था ना ज्ञान का, उस अभिमान को दूर किया है। कल आपने सुना कि भगवान का विवाह संपन्न हुआ माता रुक्मणी जी से। भगवान श्री कृष्ण के टोटल कितने विवाह हुए मेरी मां, बोलो जोर से। 16,000 टोटल, 16,000 16,100। इतने विवाह भगवान ने क्यों किए जरा बताओ, भगवान को इतने विवाह करने की क्या जरूरत थी, बोलो कौन बताएगा, आप बताओ। ये भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? आपका पति भी इतने विवाह कर सकता है क्या? नहीं। तो भगवान ने क्यों किए, जोर से मैया आप बताओ, मेरी मां बताओ क्यों किए भगवान ने इतने विवाह। हाँ ठीक बताया आपने, आप बताओ भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए? नहीं पता भाई आप बताओ भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए? क्यों? एक पहले तो भगवान का विवाह रुक्मणी जी से हुआ, भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवा भद्रा, आठवा लक्ष्मणा। एक राक्षस था, नाम क्या था उसका, भौमासुर। क्या नाम था याद कर लो, ये हमेशा प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए तुम्हारे भगवान ने, तो फिर आप उत्तर दे सकते हैं भगवान कृष्ण ने इतने विवाह क्यों किए, तो उत्तर क्या है, एक राक्षस था भौमासुर उसका नाम था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। कितनी कन्याएं, 16,100 कन्याओं को उसने बंधन में रखा था, कारागार में, और उन कन्याओं के साथ वो अत्याचार करता था, जेल में बंद करता। उन कन्याओं ने एक पत्र लिखा भगवान को, हे श्याम सुंदर, हमने सुना है कि आपने सबका उद्धार किया है, तो हमें भी इसके जेल से मुक्त कर दो,
और इस पापी को उचित दंड दो, इसने हमारे साथ अत्याचार किया है। तब भगवान ने सेना तैयार की और भौमासुर पर चढ़ाई की और भौमासुर को भगवान ने मार दिया। और जब मारा तो भगवान ने 16,100 कन्याओं को जेल से मुक्त किया। देवियों किराया खर्चा लो और अपने अपने घर चली जाओ। अब उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु अब हम जाएं कहां, अब तो हम समाज में जा ही नहीं सकती, क्योंकि जहां जाएंगी लोग हमें ताने मारेंगे कि तुम तो पराए पुरुष के पास रहकर आई हो, तुम कोई शुद्ध थोड़ी होगी, हमारे चरित्र पर उंगलियां उठाई जाएंगी। हाँ या ना भाई, आप किसी के घर 10 दिन रह के आ जाओ तो समाज आपको क्या कहेगा, पवित्र ना मानेगा। माता सीता पर लोगों ने उंगली खड़ी कर दी, जिनका चरित्र गंगा की तरह पवित्र है। तो हमें समाज स्वीकार नहीं करेगा, हमें समाज चरित्रहीन कह सकता है। तो भगवान बोले अब क्या करें। तो वो कन्याएं बोली 16,100, प्रभु अब तो दो ही रास्ते हैं, या तो हम मर जाएं या तो आप हमें स्वीकार कर लो, क्योंकि जिसे आप स्वीकार कर लेंगे तो फिर कोई उंगली नहीं उठा सकता, इसलिए प्रभु आप स्वीकार कर लो। अब आप ही बताओ कि भगवान को क्या करना चाहिए, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए मरने के लिए, या समाज के अपमान सहने के लिए, या भगवान उन्हें समाज में सम्मान दिलाएं, पत्नी का सम्मान दिलाएं। क्या करना सही था, स्वीकार करना सही था कि त्याग देना। जोर से, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। तो भगवान ने उन्हें स्वीकार किया और सारी उन स्त्रियों से विवाह किया, तो टोटल उनके कहने पर विवाह किया, अपनी इच्छा नहीं थी। जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता, सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। और एक बात बताएं, 16,000 वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद हैं। तो 16,000 वेद की ऋचाओं से भगवान ने, ये वेद की ऋचाएं गोपियों के रूप में है, उपनिषद गोपियों के रूप में है, भगवान ने उनसे विवाह किया, वेद की ऋचाओं को स्वीकार किया, उनको ग्रहण किया है। तो ये भगवान की 16,108 पत्नियां, प्रत्येक रानी के लिए एक बंगला, एक घर, बढ़िया आलीशान महल, और प्रत्येक रानी के गर्भ से एक बेटी और 10-10 बेटे हुए हैं। भगवान का परिवार बहुत बड़ा है। भगवान का परिवार मेरी मां बहुत बड़ा है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि भगवान पर कभी कोई ऐसी बात करे, सवाल उठाए, तो आप जवाब दे देना कि भगवान भगवान है। जो एक उंगली से गिरिराज जी को उठा सकते हैं, वो 16,108 विवाह करने की सामर्थ्य रखते हैं। और वैसे 16,108 नहीं, आप जितनी स्त्रियां हैं, जितने पुरुष हैं, कल हमने समझाया था, हम सब भगवान की पत्नी ही हैं। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति के हिसाब से हम सब भगवान की पत्नियां हुई कि नहीं। आपके पास बुद्धि है तो आप सबकी बुद्धि के पति कौन है, तो सबके प्राणों के पति तो वही हैं। तो इसे धरती पर प्रत्येक जीव के पति भगवान है, किसके पति नहीं है भगवान, ये बताओ, सबके पति है। पारक्षण धातु से पति बनता है, जो रक्षा करे वो पति है, और भगवान सबके रक्षक है इसलिए पति है। रक्षण करने वाले को पति कहते हैं, जो रक्षा करे वो पति है। पत्नी का नाम भी रक्षक, जो रक्षा करे अपने पति के, अपने पति को पापों से बचाकर जो भगवान के चरणों तक पहुंचाए, जो पापों से रक्षा करे, अपने पति को पापी ना होने दे, उसका नाम पत्नी है। जो अपनी पत्नी का ख्याल रखे, पत्नी को पापी ना होने दे, पाप ना करने दे, वो पति है।
वही पिता है। पा मतलब पिता, पा मतलब पत्नी, पा मतलब पति, पा मतलब पुत्र और पा मतलब परमात्मा। सारे रिश्ते पा से स्टार्ट होते हैं, देख लो आप। हम जितने भी रिश्ते देखते हैं अधिकांश पा से हैं, हाँ या ना, अधिकांश रिश्ते। तो पा मतलब पत्नी, पा मतलब पति, पा मतलब पिता, पा मतलब पुत्र, पा मतलब परमात्मा, पा मतलब पाप और पा मतलब पुण्य। तो पाप से जो बचाए, पुण्य में जो लगाए, वो पत्नी, वो पति, वो पिता, वो पुत्र। सिंपल। तो भगवान किस किस के पति हैं? केवल 16108 के नहीं, आपके हमारे सबके पति भगवान है, हाँ या ना। किस किस को बात समझ में आ गई? कोई आपसे पूछे कि क्यों तुम्हारे भगवान के 16108 पत्नियां हैं, तो कह देना तेरी माँ के पति भी मेरे भगवान ही हैं। पगले, तेरी माँ के पति भी हमारे हाँ भगवान ही है, बोल दिया करो। तुम्हारी अम्मा के पति भी हमारे भगवान ही है, और तुम्हारी लुगाई के पति भी भगवान ही है, जो तुम झूठे पति बने घूम रहे हो। हाँ या ना। तो भगवान ने 16108 विवाह क्यों किया? कोई प्रश्न करे तो उत्तर है आपके पास? हमने तैयार करा दी आपका उत्तर। किस किस का तैयार है आंसर? अरे भाई एक बात बताओ, भगवान सर्व सामर्थ्य है, भगवान में दोष नहीं होता। एक बात बताओ, आपके कुत्ता का मल, कुत्ता की छिच्छी यदि आपके पांव में लग जाए तो अशुद्ध हो जाएंगे आप? बोलो हाँ, जोर से। पर वही कुत्ते की छिच्छी यदि आग में डाल दी जाए तो क्या आग अशुद्ध होगी? जोर से बोलो। अरे संसार का दोष आपको दूषित कर सकता है, आग को दूषित नहीं कर सकता। एक बाल्टी नाले का पानी आप अपने ऊपर डाल लो तो आप गंदे हो जाएंगे, आप अपवित्र हो जाएंगे, लेकिन हजारों नाले रोज गंगा में मिलते हैं, गंगा अपवित्र नहीं, वो तो पवित्र ही है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, हाँ या ना। जब अग्नि, अग्नि को कोई दोष नहीं है, कोई उसके ऊपर मलमूत्र कर दे, आग अशुद्ध नहीं होती, आग अशुद्ध होती है। उसी तरह जब आग में कोई दोष नहीं लगता तो भगवान में कोई दोष नहीं लगता, भगवान निर्दोष है। दोष हम में लगता है, दोषी आप और हम हो सकते हैं, भगवान दोषी, क्योंकि भगवान भगवान है, सृष्टि को बनाने वाले। अब कोई अल्प बुद्धि से भगवान पर आरोप लगाए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, भगवान पर ना इतने प्रश्न चिन्ह लोग लगाते हैं, उनका उत्तर तो पता होता नहीं है, बोलते जाते हैं कुछ लोग, हाँ या ना। भगवान सबके प्राणपति हैं। हम लोग एक चीज बोलते हैं, तुम जरा बोलो मेरे संग, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, और आखिरी लाइन क्या है? त्वमेव सर्वम, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव।
इस लाइन का जरा अर्थ बताओ क्या हुआ, त्वमेव सर्वम मम देव देव, इसका मतलब क्या हुआ? त्वमेव सर्वम क्या मतलब हुआ? तो यहां क्या अर्थ निकला? त्वमेव सर्वम मतलब हे प्रभु आप हमारे सब कुछ हो। तो जब सब कुछ कह दिया तो सब हो गए कि नहीं भगवान? फिर पति थोड़ी सब कुछ से बाहर है, तो सब भगवान ही तो हैं। दूसरा क्या है बताओ फिर? इसलिए कहता हूं नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तोड़ दे मतलब ये नहीं कि परिवार का नाता तोड़ दो, ना, परिवार के संग रहो पर परिवार के साथ व्यवहार करो, भगवान के संग प्रेम का रिश्ता हो आपका, जिम्मेदारियां पूरी करो, काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, पैसा कमाओ, पत्नी के संग रहो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, सब काम पूरा करो, पर भगवान में मन लगा रहे, भगवान में नेत्र लगे रहे, भगवान में दिल लगा रहे। समझ में आ रही है बात? हाँ, भगवान बड़े दयालु, बड़े कृपालु। 16,000 भगवान, 16,108 विवाह हुए, प्रत्येक रानियों के संग भगवान प्रसन्न चित्त से रह रहे हैं। रुक्मणी अम्बा से भगवान हंसी मजाक कर, अच्छा भगवान अपनी पत्नियों से ना खूब मजाक कर लेते, आप भी थोड़ा हंसते मुस्कुराते रहा करो, थोड़ा हंसते रहा करो। गृहस्थी का मतलब क्या है? हंसते मुस्कुराते, हंसते हंसते कट जाए रसते, जिंदगी यूं ही। लेकिन आप लोग बस सवेरा हुआ रोए, शाम हुआ रोए, रात हुई रोए, यही काम, रोना दिन भर। थोड़ा हंसो, थोड़ा मुस्कुराओ, भगवान देखो मंदिर में बांसुरी बजाते हुए मुस्कुरा रहे, भगवान मंदिर में मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं, हंस रहे हैं कि नहीं, स्माइल, और आप लोग हंसते ही नहीं, बैठे हैं चुपचाप ऐसे गुस्से में। अरे थोड़ा हंसा करो, मुस्कुराया करो, जिंदगी में प्रसन्न रहना सीखिए। क्या रहेंगे मेरी माँ, खुश रहेंगे कि नहीं? थोड़ा खुश रहा करो, पति के संग हंसते मुस्कुराते, हर बात में गुस्सा ना हुआ करो। आज पति ने कुछ बोल लिया तो भी खुश रहो, गुस्सा होके भी क्या पालोगी या क्या पालोगे तुम? थोड़ा हंसो, पत्नी को गुस्सा आए ना तो थोड़ा हंसो, गुस्सा चला जाएगा, उसको भी गुस्सा होने दो। देखो जरा गुस्से में उसकी फोटो खींच के दिखाओ, देखो ऐसी लग रही हो तुम। पत्नी गुस्सा होए, एक बार पत्नी ने बोल दिया तुम जानवर हो एक नंबर के। आप लोग अपने पति को जानवर बोलती हैं? नहीं, आज बोलना जानवर। फिर पति बोलेगा, क्या बोलेगा? हाँ नहीं, एक पत्नी ने बोला तुम जानवर हो, तो पति बोला वाह तुम बहुत बढ़िया हो। उसका पति बहुत हंसमुख था, पत्नी बोली तुम जानवर हो, पति बोला वाह क्या बढ़िया तुमने बात कही मेरी श्रीमती, क्या बात कही, तुम एक नंबर के जानवर हो। हाँ हाँ, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर, बराबर जानवर, तुम हमारी कौन जान और हम तुम्हारे कौन वर, बराबर। क्या हुआ लो, ये देखो बात अभी गुस्से में जाती अब हंसे में निकल गई। तो हंसने मुस्कुराने का मौका भी तो ढूंढना पड़ता है ना, और आप लोग तो बस गुस्से का मौका ढूंढते। थोड़ा हंस भी लिया करो मेरी माँ, रिश्तों में ना हंसते मुस्कुराते खुश रहा करो, जिंदगी प्रसन्नता के लिए मिली। आपकी होंठों की मुस्कान, आपके होंठों की मुस्कान ही सबसे बड़ा धन है। इतना पैसा आपके पास है लेकिन आप खुश नहीं है तो पैसे का मतलब क्या, और आपके पास पैसे कम हैं लेकिन आप बहुत खुश हैं तो आप सबसे बड़े अमीर हैं, क्योंकि आपके पास हंसी की दौलत है, आप मुस्कुराते हैं, आप खुश हैं। अरे इतना कुछ खुशी के लिए होता और आप खुशी नहीं है, इसलिए आपको क्या रहना है आज से, खुश रहना है। नहीं है कोई खाना पीना, नहीं है पति अच्छा, नहीं है पत्नी अच्छी, कोई बात नहीं, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, जो मिला वो मिला,
खुश रहना है हर हाल में, जिंदगी का जिंदगी में राज, जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी को जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए। ये जिंदगी मिली है हंसने मुस्कुराने के लिए, इसलिए थोड़ा हंसा करो मैया, हंसो, बोलो घी, बोलो ही। ये रावण टाइप का नहीं हंसना, ऐसे नहीं, वैसे ठहाका कभी लगाना चाहिए। आप इतना हंसो इतना हंसो इतना हंसो कि आपकी आंखों में आंसू आ जाओ, पेट दर्द करने लगे। जिसका हंसते हंसते पेट दर्द करता है वो व्यक्ति बीमार पड़ ही नहीं सकता। सबसे बड़ा इलाज तो हंसी है, लेकिन आप हंसते नहीं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते। अरे हंसा करो मेरी माँ, ना ब्लड प्रेशर हाई होगा ना ब्लड प्रेशर नॉर्मल, क्या होता हाई होता है लो होता है, ना लो होगा ना हाई होगा, ना शुगर होगी ना ये होगा, ना जमाना भर क्या क्या बीमारी लिए आप लोग बैठे हैं, और केवल इसलिए कि आप हंसते ही नहीं हैं। हंसने में आंसू आते हैं कि नहीं? हमारा शरीर हर समय एक पदार्थ छोड़ता है, ऐसी डॉक्टरों की भाषा है। मैं शायद आपको इस भाषा को उस तरीके से ना समझा पाऊं, लेकिन मैंने सुना है ये और मैंने महसूस भी किया। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो सुख में अलग प्रकार का लिक्विड छोड़ता है और दुख में अलग प्रकार का लिक्विड छोड़ता है। तो जब आप हंसते हैं, जब आप हंसते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं? मतलब आपकी आंखें पानी छोड़ रही हैं, ऐसे आपका मस्तिष्क भी एक प्रकार का लिक्विड छोड़ता है जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, और वो तभी छोड़ता है जब आप हंसते हैं, और वो आपके शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वो जो लिक्विड पदार्थ है जो आपको हंसने में निकलता है, वो आपके शरीर को ये समझ लो कि एनर्जी बूस्टर है, जो आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता। कोई भाषा डॉक्टरों की है, उसमें वो कुछ कहते होंगे, हमें वो भाषा का ज्ञान नहीं है, हम अपनी भाषा में आपको समझा रहे हैं, क्यों जी? सही है, हंसने से हमारा मस्तिष्क या हमारी बॉडी कुछ छोड़ती है, तो हंसो ना, क्या नुकसान है, थोड़ा पेट पकड़ के हंसो। पेट पेट में दर्द हो जाता सारा, फिर चूर्ण खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चूर्ण पहले के लोग ना ज्यादा स्वस्थ क्यों रहते थे? क्योंकि पहले के लोग ना पंगत में खाते थे। क्या खाते थे? पंगत, जानते हैं पंगत? कितने लोग जानते हैं पंगत? कौन लोग, चलो नीचे करो हाथ। अब पंगत कौन कौन नहीं जानता? ये मैया पंगत नहीं जानते? मतलब भारत के नहीं हो फिर? पंगत नहीं जानते मतलब भारत के नहीं है? अरे गांव में शादियां जब होती थी, एक साथ लोग लाइन लगा के बैठते थे खाने के लिए, उसी को पंगत कहते, पंगत चल रही है। तो पहले के लोग एक साथ बैठते थे नीचे जमीन में फट्टी बिछाकर, और एक साथ आज भी बैठते हैं, हाँ बैठ के खाते हैं। पहले के जमाने में ना बफर नहीं होता था, बारात आती थी तो बारातियों को लाइन से बिठाया जाता था, फिर पत्तल परोसी जाती, फिर दोना, फिर हलवा परोसा जाए, पूड़ी परोसी जाए, सब परोसा, वो पंगत होती है। चलो पंगत चल रही है, आज उसे पार्टी कहते हैं। अच्छा ये बताओ, पहले के लोग ना पंगत में खाते थे मतलब साथ में, तो पहले हंसते मुस्कुराते मजाक करते हुए खाते थे, तो पहले ज्यादा खाते थे, है ना? पहले खुश होते थे लोग, बात करते हुए खाते थे, खुशी खुशी खाते थे, हंसते मुस्कुराते खाते। आजकल का आदमी खाता भी है तो मुंह बना के खाता। अरे थोड़ा हंसो मुस्कुराओ, हंसते हंसते खाओ पियो मैया, अकेले ना खाया करो, परिवार में सबके साथ बैठ के खाया, थोड़ा हंसते मुस्कुराते खाए, ज्यादा खवेगा खुश रहोगे। तो भगवान मजाक करते हैं। एक बार मजाक में भगवान ने कहा, हमसे विवाह क्यों कर लिया, शिशुपाल से कर लिया होता अभी भी कर लो। भैया जी गिर गई, भगवान ने चतुर्भुज रूप में थामा। बाद में भगवान ने समझा कि ये तो, पर अर्थ किया उनके शब्दों का मारुकमणि ने। फिर अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ, राजा नृग पर कृपा हुई और भगवान, राजा नृग ने गौदान दिया। कौन सा दान किया?
गौदान किया। गौदान सर्वश्रेष्ठ दान है। मरने के पहले गौदान जरूर करना और भागवत जी जरूर सुनना मरने के पहले। अभी 27 तारीख से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी की पाठ बिठा सकते हैं। मैं तो आपसे दो काम कहूंगा, मरने के पहले दान अन्नदान गौदान इत्यादि कर लेना और भागवत जी जरूर सुनना। मरने के बाद बच्चे सुनवाएं आपको ना सुनवाएं, अपना करके मरोगे तो नरक में नहीं जाना पड़ेगा, दुर्गति नहीं होगी, अपने पुण्य से ही अपना उद्धार हो जाएगा। वरना बच्चों के नाम पर बैठना पड़ेगा, बेटा पिंड दान करो तब तो हमारा उद्धार हो। यदि आप पुण्य करके मरते हैं तो आपको किसी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, आपका अपने पुण्य से ही उद्धार हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ के लिए तो सारी तैयारियां कर ली है, रहने के लिए घर बना लिया, चलने के लिए गाड़ियां ले ली, पहनने के लिए बढ़िया कपड़े आपके घर में लटक रहे हैं। अब थोड़ा वहां के लिए कुछ प्लान कर लो, एक आध झोपड़ी ओपड़ी वहां के लिए बनवाओ, वहां भी तो कुछ मिले रहने को, है ना मेरी माँ? हाँ, क्योंकि जाना तो है ना, ऐसा तो नहीं कि आप यहीं सदा रहोगी या रहोगे, तो थोड़ी तैयारी में लगाओ। आप लोग वृंदावन आए हैं ना, तो इतना बड़ा सूटकेस लेके आए हैं, गुझिया लड़ुआ ये सब लेके आए हैं। हाँ चलो, पता नहीं वहां खाने मिलता है नहीं मिलता, इतने सारे आप कपड़े लेकर आए हैं, इतने सारा खाना पीना नमकीन सब लेकर आए हैं, आप लोग इतना लेकर आए हैं कि 7 दिन बाद भी इतना बचा है आपका, खा नहीं पाए आप लोग। सोचो कि 7 दिन के लिए आए थे तो इतना बड़ा बड़ा सूटकेस लाए हो, जहां सदा के लिए जाना है वहां कभी को सूटकेस तैयार है कि नहीं, वहां की भी तो तैयारी कर लो, जाना पड़ेगा अभी से पैक करना। 7 दिन के लिए आए हो तो 1 महीना पहले से आप लोगों की तैयारियां चालू हो गई थी, तो जहां सदा के लिए जाना है वहां की तैयारियां तो अभी से करना समझदारी है, शुरू करो। हमारी तैयारी तो शुरू भी हो गई, हाँ हमारी पैकिंग तो पूरी है। कभी भी भगवान कहे चलो अनिरुद्ध आचार्य आओ, चलो प्रभु चलो, अपनी तो पूरी तैयारी है। तेरा क्या होगा रे कालिया, क्या तैयारी है आपकी? मैया है कुछ तैयारी साहब? फिर पूछा जाएगा कितनी तैयारी थी रे कालिया, क्यों नहीं तैयारी की, तो क्या जवाब दोगे? इसलिए हमने तो पूरी तैयारी कर रखी है, सवेरे जागते ही अन्नदान करते हैं ताकि तैयारी है वहां की, क्योंकि यहां रोटियां देने से वहां रोटियां मिलती हैं, जो यहां आप दोगे वो वहां मिलेगा, जो यहां नहीं करोगे वो वहां नहीं मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग बढ़िया अच्छे घर में हो, बढ़िया कमाते खाते हो, आप लोगों ने जरूर किसी जन्म में खूब पुण्य किया होगा, अन्नदान दिया होगा, इसलिए आप लोगों के पास भगवान ने खूब बढ़िया खाने के लिए दिया, घर दिया, सब दिया। जो लोगों के पास नहीं है, मतलब इन्होंने कभी दिया नहीं इसलिए इनके पास नहीं है, इसलिए आपको तब दिया था तो अब तो मिल गया, अब देंगे तो आगे। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, इसलिए जब तक सांस है तब तक दान करना मत छोड़िएगा, दान थोड़ा ही सही नित्य हो, अन्नदान रोज हो। इसलिए हम कहते हैं हजारों संत यहां भोजन करते हैं, आप भी अन्नदान करो, एक दिन की प्रसादी आप भी बटवाओ, अपने बच्चों के नाम से, बेटी बेटा के नाम से, आप लोग भी पुण्य की सेवा अच्छे कार्य से जुड़ो। आप भी यहां रसोई चलती है गौरी गोपाल भगवान की रसोई, आप भी अपनी ओर से रसोई बटवाओ, आप भी अपनी ओर से ये पुण्य का कार्य कराओ, और आप भी यहां पर रसोई की सेवा, गौ सेवा आप भी जुड़ो, यहां वृद्ध माओं की सेवा होती है आप भी सेवा करो, सेवा है। भगवान की कृपा से भगवान ने पौंड्रक काशी राजद्विज का उद्धार किया, जरासंध का उद्धार हुआ, शिशुपाल का उद्धार, शाल्व दंत वक्र का उद्धार, सुदामा जी भगवान के विशेष भक्त हैं, गरीबी में उन्होंने गुजर किया पर शिकायत नहीं की, 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी भगवान के पास गए,
सुदामा जी भगवान से कुछ लेने गए थे कि सुदामा जी भगवान को कुछ देने गए थे? उत्तर दो। देने गए थे। क्या देने गए थे? चार मुट्ठी चावल। उनके पास जो था उन्होंने दिया। एक बात बताएं, सुदामा ने कुछ मांगा नहीं है, सुदामा ने कुछ लिया नहीं है, दिया है। और सुदामा ने जब दिया तो भगवान कहते हैं तुम अपनी हैसियत से तुम दो, हम अपनी हैसियत से हम देंगे। पर पहले आपको देना पड़ेगा, पहले आपको देना पड़ेगा। सुदामा गरीब थे, गरीबी में गुजारा किया। इतने बड़े भक्त थे, भगवान से कहते कि हमें ये दो, तो भगवान देते ना क्या? जरूर देते। पर भक्त की पहचान ही होती है कि वो निष्काम होता, कोई डिमांड। अभी मैंने क्या बताया कि जहां कुछ चाहिए वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। और भक्त प्रेम करता है भगवान से, और जहां प्रेम होगा वहां डिमांड नहीं होगी। जहां प्रेम होगा वहां वहां डिमांड, इच्छा नहीं होगी। तो सुदामा के अंदर कोई इच्छा नहीं थी। ये बता रही है बात कि सुदामा प्रेमी थी। और आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, भगवान की जरा पूजा पाठ की तो भगवान से मांगने लग जाते। अरे जहां मांगना है वहां प्रेम थोड़ी है। इसलिए भगवान से प्रेम करो, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं मेरे भक्त को क्या चाहिए। सुदामा ने मांगा थोड़ी था, भगवान सब जान गए क्या चाहिए। बिना मांगे लोगों की संपदा लुटा दी सुदामा पर, हाँ या ना? तो आप मांगते क्यों हैं? विश्वास रखिए। भगवान के द्वार पर सुदामा जी जब चले, तब देखो सुदामा जी जब पहुंचे हैं ना, चार मुट्ठी चावल लिए हैं, द्वार पर खड़े हैं और द्वारपालों से कह रहे हैं, भैया जाकर मित्र से कह दो कि बचपन का सखा आया है। द्वारपाल ने जाकर कहा, शीश पगाना जगा तन में आही जाने को आही बसे के ही गावा धोती फटी सी लटी दुपटियर पाए हो पासन की नहीं सामा द्वारे खड़ो रज दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा भी रामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावत जब सुदामा जी पहुंचे द्वारिका और भगवान ने सुना कि मेरे बचपन का मित्र आया है, सिंहासन छोड़कर भगवान दौड़े हैं, सुदामा जी को गले से लगाया, अपने आसन पर ले गए, चरण धोए, चरणामृत लिया और मित्र से पूछा क्या लाए हो। सुदामा जी ने कहा, क्या दे सकता हूं मैं आपको, पोटरी छिपाने लगे, भगवान ने छीन ली। और जब चावल भगवान ने पोटरी छीन कर खाई, चावल खाए, तो एक मुट्ठी चावल भगवान ने जब खाए ना, तो एक मुट्ठी चावल खाते ही भगवान ने पूरी दुनिया को तृप्त कर दिया एक मुट्ठी चावल से। मित्र के एक मुट्ठी चावल खाते ही भगवान ने पूरी दुनिया को, जीव मात्र चींटी से लेकर हाथी तक सबके डकार आ गई, सब तृप्त हो गए। क्या मतलब हुआ इसका? जब भगवान ग्रहण करते हैं कोई वस्तु तो उससे हमारी सैकड़ों लाखों पीढ़ियां तृप्त हो जाती हैं। भगवान सबको पावन कर देते हैं। इसलिए भगवान को सुदामा जी ने अन्न दिया, अन्नदान दिया। क्या दिया? अपनी हैसियत से सुदामा जी ने वो दिया जो उनके पास था। इसलिए आप भी वही दीजिए जो आपके पास। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? सिवनी से आए हैं। सिवनी से आई है? हाँ, हाँ। कौन कौन है मेरी माँ घर पर आपके? कोई नहीं है। बेटा बेटी? नहीं नहीं हूँ। पति? नहीं। पति भी नहीं है, बेटा बेटी भी नहीं है। और तो आपको यहाँ क्यों आना पड़ा गौरी गोपाल आश्रम मैया? वो छोड़ के चले गए थे, इसलिए मैं आ गई भाइयों के घर में। हाँ, हाँ। भाइयों के घर में आ गई, फिर यहाँ कैसे?
तो बहू ने मार के घर से निकाल दिया। किसकी बहू ने? भाई की बहू ने। आपके भाई की बहू ने आपको मार के निकाल दिया। हाँ। तो आपके पति चले गए हैं कहीं? चले गए। इनके पति कहीं चले गए, कितने वर्ष हो गए चले गए? कितने वर्ष? 2-3 साल हो गए समझे चले गए, 3 साल से चले गए। फिर आए नहीं? नहीं आए। कहाँ चले गए? वो क्या मालूम, पता नहीं लगा कहाँ गए। इनके पति कहीं चले गए, इनके बेटा बेटी कुछ है नहीं, तो ये अपने भाई के पास रहने लग गई। और जब भाई के पास रहने लग गई तो भाई की पत्नी ने इन्हें मारा। देखिए, इंसानियत के नाते सेवा करनी चाहिए। आपके पास कोई है और आप उनको मदद करें, किसी की हेल्प करें, तो सबसे बड़ा धर्म तो यही है। लेकिन इनके अब कोई नहीं है, बेटा बेटी नहीं, तो इनके भाई की पत्नी ने मार करके इन्हें निकाल दिया। और जब निकाला तब ये यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में आई। मैया, आपको यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है? मेरी माँ गौरी गोपाल आश्रम नहीं, यहाँ आप खुश हैं? खुश हैं। यहाँ आप रहती हो, आपको रहने का हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? नहीं। यहाँ जो भी माँ रहती हैं निःशुल्क रहती हैं, किसी भी माँ से 1 रुपया नहीं लिया जाता। जो आप लोग सहयोग करते हैं उनके बल पर, आपके थोड़े सहयोग के बल पर इन वृद्धमाओं की सेवा होती है। मैं आपसे बस इतनी प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इन वृद्धमाओं के लिए 1 माँ को जरूर रोटी देने का संकल्प कीजिए कि आपके आपकी रोटी इन माँ को मिले। और आप चाहें तो 1 माँ को गोद ले सकते हैं, 1 महीने तक आप रोटी देने का संकल्प ले सकते हैं कि मेरी ओर से 1 महीने तक माँ को भोजन की व्यवस्था होगी। 1 माह 2 माह 3 माह का आप 1 महीने तक भोजन की सेवा चाहें तो कर दें, यदि आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया है तो। आइए मैया, अब आप यहीं रहिए मेरी माँ। आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध है, वो आपका कोई सेवा करे ना करे, जब तक प्राण है तब तक दास को ईश्वर ने जिम्मेदारी दी, हम करेंगे। भगवान की प्रेरणा है आप सबके लिए, हम सबके लिए, तो आप सब सहयोगी बनकर इन माओ की सेवा से जुड़ें। और आप लोग भी अपने धन को धर्म से जोड़ें। आप भी, हम भी सब इन माओ के बच्चे हैं। अब आपके माँ ये हम सब बच्चे हैं और हम सब मिलकर सेवा करेंगे। क्यों? इन माओ की सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है या नहीं? आज 272 माताएं गौरी गोपाल आश्रम में, और 1000 माओ के लिए आश्रम बनाना जरूरी पड़ा ताकि यहाँ वृद्ध माँ रह सके। तो आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने धन को धर्म से जोड़ा, भगवान सदा आपकी झोलियां भरी रखें, ऐसी भगवान से प्रार्थना। आप लोग भी अपने धन को धर्म से जोड़िए, यदि ईश्वर ने इस लायक बनाया है तो। सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की, 1 मुट्ठी चावल लिया और बहुत कुछ दिया, चरण धोए, सेवा की। सुदामा जी घर गए, जवानी दी सुदामा और सुशीला माँ को, और उस जवानी में उन्होंने राज्य का सुख लिया और भगवान ने जो वैभव दिया उसका उपयोग किया। भगवत धाम गए, कुरुक्षेत्र में भगवान गए हैं, गोपियों से माँ यशोदा से भेंट हुई, माता देवी की के 6 पुत्रों को लौटाया। भृगु जी ने भगवान के हृदय पर पादप प्रहार किया और भगवान ने दया कितनी बड़ी होती है वो दिखाई। सांब पर कृपा की, संतों ने श्राप दिया कि तुम्हारे पेट में, सांब ने संतों की परीक्षा करने के लिए पेट में कपड़ा बांध कर कहा कि पेट में बेटा के बेटी। संतों ने कहा तेरे वंश का नाश करने वाला मूसल। संतों का श्राप लगा, चूर्ण करके फेंका, 1 कील बची, फेंक दिया, मछली निगल गई। फिर नव योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा। पृथ्वी वायु अग्नि आकाश को दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया और सबसे सीखा है। 7 दिन तक हमने आपको हर चीज से आपको शिक्षा दी है, यही है कि हर चीज से आपको सीखना और भगवान का ध्यान करना है। कैसे ध्यान करना चाहिए? सब लोग आंख बंद कर लो, भगवान के चरणों में चलो, आंख बंद करो, ध्यान भगवान का करो। भगवान का घर बैठे कैसे ध्यान करना चाहिए? भाव बनाओ, इमेजिन करो कि हम यमुना जी स्नान कर रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ कि हम यमुना जी नहा रहे, अब नहा कर हम बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे। अब हम यमुना जी नहा के बिहारी जी का दर्शन जब करने गए तो वहाँ सुंदर से बिहारी जी, घुंघराले से बाल, सुंदर सी उनकी छवि,
भगवान की सुंदर आंखों का दर्शन करो, भगवान के चरणों का दर्शन करो। आप शरीर से कहीं भी हैं पर भाव ऐसा बनाओ कि हमारे सामने श्याम सुंदर राधा रानी है। अब भाव बनाओ कि हम लड्डू खिला रहे हैं भगवान को सुंदर मोती चूर के। अब भाव बनाओ कि हम दूध पिला रहे हैं। अब भाव बनाओ कि हम पुष्पों की माला भगवान को पहना रहे हैं। अब भाव बनाओ कि हम झूला झूला रहे हैं। अब भाव बनाओ कि भगवान के चरण श्री राधा रानी और श्याम सुंदर के चरण धो रहे हैं, चरण अमृत पी रहे हैं। हम केवट बनकर के चरण अमृत पी रहे। अब भाव बनाओ कि भगवान ने गिरिराज जी उठाए हैं और हम सब उस तलहटी पर खड़े होकर श्याम सुंदर के वो सुंदर सी छवि का दर्शन कर रहे, घुंघराले से बालों का दर्शन कर रहे, भगवान के एक एक अंग को देख रहे, चरणों को देख रहे। आप जहां हैं वहीं से ऐसा भाव बनाओ कि भगवान की उस लीला में हम भी सम्मिलित। ऐसी छवि भगवान की जो श्याम सुंदर श्री राधा रानी की मन में बसाओ और उसी का ध्यान करते रहो। यही तो ध्यान है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहो, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। सब लोग बोलो हे नाथ मैं पापी हूं, अधम हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं, खल हूं, कामी हूं। हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं, हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। बस भक्तों कहीं भी शरीर से रहो, बार बार भगवान का स्मरण करते रहो, काम करो, खूब जिम्मेदारियां पूरी करो, भगवान का स्मरण बनाए रखो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई और लीला पूरी हुई तो भगवान परम धाम को जब गए, नंद बाबा यशोदा गोपियां सब भगवान का परिकर परम धाम को गया। भगवान के चरणों में जरा नाम के बहेली ने बाण मारा, भगवान ने उसका उद्धार किया और भगवान सब परिकर को परम धाम भेजते हैं, यशोदा नंद बाबा गोपियां सबको परम धाम गोलोक धाम। और जब भगवान जाने लगे तो भक्तों ने कहा प्रभु हम कैसे रहेंगे। भगवान बोले हम कहीं जा थोड़ी रहे हैं, हम भागवत जी में समा रहे। जहां जहां भागवत जी होंगी हम वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। इसलिए भागवत प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है, इसलिए भागवत जी जरूर सुनना चाहिए। अभी 27 तारीख से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए आप भी भागवत जी की पोथी पाठ बिठा सकते हैं। भगवान एक रूप से कण कण में समा गए, एक रूप से भगवान अपनी लीला पूरी करके परम धाम को चले गए। 7 दिन पूरा हुआ, तक्षक आया, परीक्षित जी को डसा, सुखदेव भगवान अंतिम ज्ञान देकर गए। परीक्षित भागवत सुनकर सुने, इसलिए भागवत जी सुनने के बाद परीक्षित जी की सदगति हो गई। जो भागवत सुनता है उसकी कभी अधोगति नहीं हो सकती, सदगति का अधिकारी हो जाता है। धुंधकारी की सदगति, परीक्षित जी की सदगति हुई। अब मैं जनमेजय ने यज्ञ किया, सर्पों को मारने संतों ने रोका, तक्षक बचे हैं। और अब 7 दिन की सूची में आपको सुनाता हूं। पहले दिन महात्म्य की चर्चा, दूसरे दिन कुंती स्तुति, परीक्षित जी को श्राप, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, पांचवें दिन बाल लीला, छठवें दिन रुक्मणी मंगल, आज सुदामा चरित्र के संग भगवान के चरणों में वाणी समर्पित करते हैं। आज भागवत जी की पोथी पाठ यहाँ पूरी हुई। जो पोथी पाठ यजमान यहाँ आए हैं आप सब साधुवाद के पात्र हैं। जो प्रसादी आज आपको मिली है, श्रेयोदान का प्रसाद, वो अपने बच्चों को खिलाइएगा, पत्नी को, पति को, परिवार को, और थोड़ा सा जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ लाल कपड़े में उस प्रसादी को बांध कर रख दीजिएगा, चावल प्रसादी। जो यहाँ आए हैं वो लेकर जाएं प्रसादी, सवेरे मिला है। और जो नहीं आए टीवी पर सुन रहे हैं, आपका प्रसादी कोरियर के द्वारा आपके एड्रेस पर घर पर ही पहुंचेगा, तब आप सबको खिलाइएगा। 7 दिन भागवत जी का पाठ आप लोगों ने कराया है, जिस कामना से भागवत जी निश्चित ही आपकी वो कामना पूरी करेंगे। और भागवत जी के आश्रित रहने वाला सदा धन धान्य से परिपूर्ण होता है। अभी 27 तारीख से फिर भागवत जी के पाठ बैठेंगे, तो जो प्रसाद आपके घर पहुंचेगा उसे लाल कपड़े में बांधकर जहां पैसे इत्यादि रखते हैं वहां रखिएगा, और कुछ प्रसादी अपने अन्नपूर्णा में छिड़काव कीजिएगा, जहां कोठार भंडार है आपका, है ना, वो सबको थोड़ा थोड़ा प्रसादी बांटिएगा। अब आप सब जो यजमान परिवार थे उन सबका मंगल हो, सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। अभी 23, 24, 25 तारीख से चहनिया चंदौली में कथा का 3 दिन का आयोजन है, और हमारी मैया श्रीमती विजया पारासर जी के लिए सुंदर तालियां बजाइए, जिनके द्वारा ये सुंदर सा आयोजन हुआ।
भगवान इनकी कामना पूरी करें। मैया ने अपने दोनों कुलों को तार दिया है, मातृ पक्ष पक्ष और ससुर पक्ष, यहाँ पति पक्ष। हाथ जोड़कर मेरे संग बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। सात दिन की कथा आप लोगों ने सुनी, यदि कोई अपराध मेरी वाणी से हुआ हो तो आप जरूर इस दास के अपराध को क्षमा कीजिएगा, और आप सदा सुखी और स्वस्थ रहिए। आपके लिए भगवान से यही मंगल कामना है, सदा सुखी रहिए। जिन्होंने भागवत जी की पोथी पाठ कराया है उनके यहां भी प्रसाद पहुंचेगा, जैसा प्रसाद आज मैया को प्राप्त हो रहा है। आपने सात दिन का आयोजन कराया है, एक बार सुंदर तालियां मैया के लिए। आप भी परीक्षित बन के भागवत जी सुनिएगा, यदि इस लायक ईश्वर ने बनाया है तो। आइए अब भगवान के चरणों में अपनी वाणी समर्पित कर, हे प्रभु कोई अपराध मेरी वाणी से हुआ हो तो दास को क्षमा कीजिए, आप लोग भी क्षमा कीजिए अपना भाई अपना सेवक मानकर। आइए अब होली का दर्शन करेंगे, बोलिए होली के रसिया की जय हो। हाँ आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, अरे आज बिरज में होली रे रसिया। फूलों में सजे हैं, अब होली का दर्शन करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 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
आया होलिया में उड़े रे गुलाल की डारो रंग केसरिया Thank you.
खेले सखियन सग भाग आज बरसाने में खेले सखियन सग भाग आज बरसाने में हो आज बरसाने में आज बरसाने में आज बरसाने में आज बरसाने में खेले 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 सखियन सग भाग आज बरसाने में खेले सखियन सग भाग आज बरसाने में रसिया को नार बनाओ रसिया को रसिया को नार बनाओ रसिया को मन में बसा कर बसा कर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती आरती Thank you.
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं। I'm gonna go back to the